गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हो सब। ये खोड़िया माता मंदिर है जामनगर गुजरात का, यहीं पे पास ही में मैं रहता हूँ, 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो यहाँ प्रवेश द्वार पे एक महिला मिली है जो हिंदी उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रही है, गुजराती उसको आती। अगर कोई इनको डोनेट करना चाहे कुछ भी तो मेरे पेटीएम नंबर दे दूँगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दे डाल सकते हैं। और वृद्धाश्रम का अगर किसी को कॉन्टैक्ट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट बताएं मेरे को। तो यहाँ पे हमको एक माता जी मिली हुई है जो कि बता रही हैं इनके कोई नहीं है। आपके और बच्चे वगैरह हैं आपके? बच्चे हैं आपके? कौन कौन है? कोई नहीं। अच्छा, बच्चे कोई नहीं है? कोई नहीं। और घर कहाँ पे है आपका? घर घर से मंदिर बाजू में। मंदिर के बाजू में कितना दूर है? और खाने आने के लिए आपका नाम क्या है? ये अपना नाम कांताबेन बता रही हैं। इनके मतलब बच्चे अच्छे कोई नहीं है और एक झोपड़ी में रहती हैं। अगर किसी के द्वारा इनकी हेल्प बन सके तो प्लीज कुछ डोनेट करें, अगर बन जाए इनके लिए। और जो कुछ अगर कोई कर सके तो मैं अपना पेटीएम, फोन पे नंबर और गूगल पे नंबर दे दूंगा। अगर इनके लिए कोई डोनेट करता है तो मैं आप लोगों को जो डोनेट करोगे मैं इनको दे जाऊंगा। तो प्लीज़ इनका हेल्प करें, और मैं जो हेल्प है तो मैं अपने तरफ से कर दूंगा, वो मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये अपना नाम कांताबेन बता रही हूँ, ये गुजरात की हैं, गुजरात राज्य से, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, और दरेड़ में हम लोग रहते हुए यहाँ पर काम करते हैं हम लोग। तो ये मंदिर है, तो जो मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा मंदिर है। तो मंदिर में हम लोग आए हुए थे तो ये मंदिर के गेट में बैठी हुई हैं। अगर कोई इनके लिए वृद्धाश्रम का कोई जुगाड़ हो तो आप प्लीज बताएं हम लोगों को। पति खत्म हो गए? अच्छा, मांगते ही खाती हैं ये। अगर किसी से बन जाए इनके लिए कुछ करते तो प्लीज डोनेट करें, और हम लोग तो कर ही रहे हैं फिलहाल में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाएं ताकि बहुत से लोगों को पता चल सके। अगर कोई वृद्धाश्रम वाले होंगे तो इनको प्लीज़ कोई हेल्प बन जाए, अगर करते हुए तो करें प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।